बारसोई प्रखंड अंतर्गत शिकारपुर पंचायत के कुचिया मोर गांव में लोग गांव को छोड़कर बंगाल की ओर रुख करने को मजबूर है। वे लोग एक ब्रिज के निर्माण को लेकर परेशान हैं। कुचिया मोर गांव बंगाल के आखिरी छोर पर है। इस गांव में विकास नहीं पहुंचने की मुख्य वजह है नागर नदी। इस नदी के उस पार यह गाँव स्थित है, जिस वजह से लोगों को आवाजाही में काफी मुश्किल उठानी पड़ती है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव कुचिया मोर में अभी तक सरकार की कोई भी योजना इस गांव तक नहीं पहुंची है। इस गांव के लोगों की सबसे बड़ी समस्या ब्रिज का निर्माण है। अगर इस गांव में ब्रिज का निर्माण हो जाता है तो इस गांव के लोगों को बिहार आने जाने में काफी सुविधा होगी। चचरी बहुत शुरू से है, जब से हम लोग जन्म स्थान से, उससे पहले से यहाँ चचरी है। यहाँ ब्रिज होना बहुत आवश्यक है, चूँकि यहाँ बिहार बंगाल का ये बॉर्डर इलाका है, यहाँ और दूसरा कोई रास्ता नहीं है इसके सिवाय, या इसलिए निहायत ज़रूरी है यहाँ ब्रिज होना। इससे पहले कभी पुल नहीं बना क्या? नहीं, कभी नहीं बना। कभी आप लोग आंदोलन या मांग नहीं किया सरकार? अरे किए, बहुत तो से किए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया इसमें। अभी सरकार से मांग है कि यहाँ एक तो बॉर्डर इलाका है, यहाँ कोई ध्यान नहीं देता है, इसलिए यहाँ ब्रिज होना बहुत ज़रूरी है। समस्या ये है, जब बाढ़ आता है तो नाव में जाना पड़ता है। अभी तो चचरी है, ये चचरी में हम लोग जाना आना होता है। कुछ दिन के बाद चचरी उठ जाएगा तो नाव में जाना पड़ेगा। बाढ़ आएगा, बहुत दिक्कत होता है। उस पार का आदमी उस पार रह जाए, इस पार का आदमी इस पार रह जाता है। एक घंटा डेढ़ घंटे के बाद नाव आता है, तब हम लोग जाते हैं। बहुत समस्या हो जाता है, आने जाने में बहुत दिक्कत है। नाव पलट जाता है, डूब जाता है, बच्चों बच्चे सब परेशान हो जाता है। बच्चे लोग जाना नहीं पाता, आना नहीं पाता है। सरकार से इसके लिए पहले तो हम लोग किया था, इससे पहले भी हम लोग किया है ऐसे। ब्रिज के लिए हम लोग बहुत बार बोले हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। सुनते हैं कि ब्रिज पास होता है, होता है कहाँ होता है, कहाँ ब्रिज होता है। ब्रिज के लिए हम लोग बहुत परेशान है, हर गांव का ये 3-4 गांव इधर आना जाना होता है। समस्या तो यहाँ इतनी ज़्यादा है कि बाढ़ के समय में आदमी को जीना मुश्किल हो जाता है। आने जाने में नाव पलट गया, फिर भी सरकार कुछ नहीं सुना। यहाँ के मंत्री रह चुके गोस्वामी जी, वो भी कुछ नहीं कर सके। आए और कहे ठीक है हम बना देंगे पुल, फिर जीत कर जो जाते फिर दोबारा जनता से दर्शन करने नहीं आते हैं, उनको सिर्फ वोट चाहिए। और वो भी सोचते हैं कि बिहार बंगाल का बॉर्डर है तो ये सरकार सुने, ये सरकार सुने। इसलिए मेरी आवाज़ जाना चाहिए वहाँ केंद्र सरकार तक कि यहाँ जनता को देखे कि बाढ़ में कितनी परेशानी होती है। दुलाल चंद्र गोस्वामी तो आपके नज़दीक है ना? फिर भी वो नहीं सुन रहे हैं ना, वो उधर चले जाते हैं, इधर का जनता का कुछ नहीं सुनते हैं, जबकि जीतते हैं ही। जबकि इस बार तारकिशोर जी बने हैं उप मुख्यमंत्री, इनकी आवाज़ सुनाइए कि जनता के सामने कितना बड़ा बोझ है, और जनता ही ने उनको चुन के भेजा है, फिर भी ये कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन सरकार है जो गहरी नींद में सोई हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि जब जब बाढ़ आती है उनको मजबूरन बंगाल की ओर जाना पड़ता है, जबकि वे लोग बिहार के मूल निवासी हैं। लोगों ने एक बार फिर सरकार से अपील की है कि इस ब्रिज पर ध्यान दिया जाए और लोगों की परेशानी को देखते हुए जल्द से जल्द पुल को तैयार किया जाए, जिससे लोगों को भी सरकारी सुविधाएँ मिल पाए। मोहम्मद मिनारुल, टाइम्स न्यूज़, बारसोई।